अगर आपके पास सैमसंग कंपनी की कोई भी लेटेस्ट या फिर कोई भी ऐसे पुराना मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो सैमसंग गैलेक्सी सीरीज का हो या फिर सैमसंग ड्यू सीरीज का हो या फिर कोई भी सैमसंग का फ़ोन हो, आसान भाषा में कह सकते हो कि आपके पास सैमसंग की कोई भी ऐसे फ़ोन है, चाहे वो पुराना हो या फिर लेटेस्ट हो, और आपकी फ़ोन के अंदर स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से आपकी फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, कभी कभी अचानक से ऑटोमेटिक चार्ज होता है, या फिर आपकी फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन नॉट वर्किंग दिखाता है, आपकी फ़ोन गर्म हो जाता है, या फिर आपकी फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंग करने लगता है, या फिर इस तरह का और भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आपकी फ़ोन के अंदर दिखा देता है। तो उन सभी प्रॉब्लम की 101% सॉल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हो घर बैठे, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, आप इन 7 पॉइंट को फॉलो करते हो तो चाहे आपके पास सैमसंग की लेटेस्ट कोई मोबाइल फ़ोन हो या फिर पुराने से पुराने कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, उसकी आप स्टोरेज और प्रॉब्लम या फिर हैंगिंग प्रॉब्लम, गर्म होने की प्रॉब्लम या फिर इस तरह का और भी छोटे मोटे प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सीधे मोबाइल की स्क्रीन की पर चलते हैं और वहीं पर जाके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है सैमसंग कंपनी का, वो है पुराना मॉडल का। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इसका जो मॉडल नंबर है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो मेरे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J3 प्रो। तो आपके पास चाहे इस तरह का कोई भी सैमसंग कंपनी का पुराना मॉडल का मोबाइल फ़ोन हो या फिर लेटेस्ट जो सैमसंग की जो मोबाइल फ़ोन है वो भी हो, तो उसका भी आप स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्यूशन बहुत ही आसान से कर सकते हो अगर मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो जो पॉइंट बताऊंगा उन पॉइंट को फॉलो करते हो। तो आपके पास सैमसंग कंपनी की जो भी मॉडल का फ़ोन है उसकी स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपकी फ़ोन के अंदर इस तरह का एक ऑप्शन है जिसका नाम है स्मार्ट मैनेजर। हर एक सैमसंग कंपनी की फ़ोन के अंदर ये जो ऑप्शन है ये है, आपको इसको सबसे पहले ओपन करना। तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ट्रिक है जिसे आप फॉलो करते हो तो आप अपनी मोबाइल की जो स्टोरेज प्रॉब्लम है उसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। तो सबसे पहले है यहाँ पे स्टोरेज। तो आपकी फ़ोन की इस टाइम पे करेंटली स्टोरेज कितना फ्री है, कितना भरा हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी स्टोरेज को फ्री करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा सर्चिंग होगा, आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है। वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ जाएगा अननेसेसरी डाटा, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपनी फोन के अंदर आपको अपनी स्टोरेज के अंदर जितना भी अननेसेसरी डाटा है उसे आपको डिलीट कर देना है। तो आपकी फोन के अंदर जितना अननेसेसरी डाटा होगा उस हिसाब से आपकी जो स्टोरेज है वो क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ टाइम छोड़ छोड़ के यहाँ पे क्लियर करता हूँ जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही कम, बस 1.75 MB क्लियर हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे कभी भी नहीं किए हो तो आप यहाँ पे अननेसेसरी डाटा को क्लियर करोगे तो आपके पास यहाँ पे हो सकता है 1 GB तक खाली हो जाए। तो इसके बाद जो दूसरा ट्रिक है स्टोरेज की, काम तो मैंने यहाँ पे कर लिया है, उसके बाद है रैम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे रैम जो है 67% भरा हुआ है। तो आपको इसे और भी क्लियर करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सी ऐसे एप्लीकेशन है जो आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपकी फ़ोन की बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिक चल रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड पे ऑटोमेटिक ये सब एप्लीकेशन रनिंग हो रहा है जिसकी वजह से आपकी फ़ोन की जो स्टोरेज है वो तो काफ़ी ज़्यादा भरता है। उसके साथ साथ आपकी जो फ़ोन की बैटरी है उसको भी एक्सेस करता है जिसकी वजह से आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो भी काफ़ी जल्दी खत्म हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आपके फ्री टाइम पे यहाँ पे आना है तो आपको जो करना है आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा इन ऑल, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपकी बैकग्राउंड पे चल रहा था वो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्लियर होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे जो रैम है वो कितना ज़्यादा फ्री हो चुका है, यहाँ पे आप लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन की जो स्टोरेज है और आपकी फ़ोन की जो रैम है उसे आप काफ़ी हद तक फ्री कर सकते हो। इसके बाद आपकी फ़ोन की स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तीसरा ट्रिक है उसके लिए आपको अपनी फ़ोन की जो माई फाइल है इसके अंदर आना है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर कोई भी SD कार्ड लगा के रखा है वो भी आपके पास हो जाएगा। अगर आपने SD कार्ड नहीं लगा के रखा है तो आपके पास बस डिवाइस स्टोरेज जो है यही ओपन होगा, आपको इसी को ओपन करना है। इसी को ओपन करने के बाद आपकी फ़ोन के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले जो करना है आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा एंड्रॉयड का, आपको सिंपल सा इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह से 3 फाइल्स होगा, इन तीनों फाइल को एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको इन तीनों फाइल को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। 3802 फोल्डर इसके अंदर बना हुआ है तो आप समझ सकते हो। तो इस फाइल को डिलीट करने के बाद आपकी फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा क्योंकि आपकी फ़ोन की जो इंटरनल स्टोरेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इसके बाद जो चौथा ट्रिक है वो फाइल मैनेजर के अंदर ही है। उसके लिए आपको सिंपल सा जो करना है आपको यहाँ पे सबसे पहले डिवाइस स्टोरेज के अंदर ही आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ मोर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास इस टाइम पे करेंटली कोई सैमसंग कंपनी की लेटेस्ट मोबाइल फोन है तो आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऑप्शन मिलेगा मोर की जगह पे, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास अगर लेटेस्ट फोन है तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा,
अगर आपके पास इस तरह का पुराना मोबाइल फोन है तो आपको यहाँ पे इसे यहीं पे एक डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा शो हिडन फाइल। अगर आपके पास लेटेस्ट फोन है तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद उसके अंदर आपको शो हिडन फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे आपके फोन के अंदर कुछ ऐसे फाइल ऑटोमेटिक शो हो जाएगा जिसके अंदर इस तरह से डॉट लगा हुआ है। आपको सिंपल सा उन फाइल को इस तरह से सिलेक्ट करना है, जो जो जितना सारा फाइल आपके पास यहाँ पे इस तरह से आएगा आपको उन सभी फाइल को इस तरह से सिलेक्ट करना है जिसके आगे डॉट लगा हुआ है। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आपको जो करना है, आपको यहाँ पे इन सभी फाइल को भी इस तरह से डिलीट के ऊपर क्लिक करके आपको इसे भी डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट करोगे तो उसके बाद आपकी फोन के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज है वो काफी हद तक फ्री हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी फोन के अंदर ऐसा कुछ फाइल है जो आपकी कोई काम का नहीं है, आपको लगता है, उस सभी फाइल को भी आप यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करके एक साथ डिलीट कर देना, तो उससे भी आपकी फोन के अंदर काफी हद तक जो स्पेस है वो फ्री हो जाएगा। इसके बाद आपकी फोन की स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो पांचवा ट्रिक है, उसके लिए आपको आपकी फोन की अंदर सेटिंग का ऑप्शन है, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है, आपको सिंपल सा ये जो एप्लीकेशन का ऑप्शन है इसके अंदर क्लिक करना है। तो जैसे ही एप्लीकेशन के अंदर आओगे तो सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन मैनेजर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट करना है। थोड़ी टाइम वेट करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे हर एक एप्लीकेशन के नीचे की तरफ कितना पेस वो एप्लीकेशन पकड़ के बैठा है आपकी फोन के अंदर, वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो करना पड़ेगा, आपको इनमें से जो एप्लीकेशन आपको लगे कि हाँ ये जो एप्लीकेशन है ये काफी ज्यादा पेस पकड़ के बैठा है आपकी फोन के अंदर, आपको उन सभी एप्लीकेशन को ढूंढना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन है फेसबुक मैसेंजर है, वो यहाँ पे 303 MB पकड़ के बैठा है, तो काफी ज्यादा पेस इन्होंने पकड़ के बैठा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, आप भी यहाँ पे देखना कि आपकी फोन के अंदर कौन सा ऐसे एप्लीकेशन है जो ज्यादा पेस पकड़ के बैठा है, उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक है क्लियर डाटा, एक है क्लियर कैची। तो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कैची के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्लियर कैची के अंदर भी कुछ ना कुछ MB यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है आप जिस एप्लीकेशन को ओपन की हो उस एप्लीकेशन के अंदर आप अपने किसी भी मोबाइल नंबर से या फिर किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन करके रखा है कि नहीं। अगर लॉगिन करके रखा है तो उस टाइम पे यहाँ पे क्लियर कैची के ऊपर क्लिक करना, और आपने जो एप्लीकेशन को ओपन किया है उसके अंदर कोई भी ऐसे अकाउंट नहीं बना है, जैसे कि MX प्लेयर हो गया, इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन को आपने ओपन किया है यहाँ पे जो आपकी फोन की काफी ज्यादा पेस को पकड़ के बैठा है, उसे आप क्लियर करना चाहते हो, उस टाइम पे आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है क्लियर डाटा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर के ऊपर क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देखोगे लाइव 303 MB था वो यहाँ पे कम के 213 MB का हो गया है। तो इस तरह से आपके फोन के अंदर जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशन है उन सभी एप्लीकेशन की जो क्लियर डाटा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन है वो यहाँ पे 5.3 GB, आप समझ सकते हो कितनी GB एक अकेला एप्लीकेशन पकड़ के बैठा है। तो इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन है तो आपको सिंपल सा उसे ओपन करके आपको क्लियर डाटा है उसे आपको क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद अगर आपकी उसके अंदर अकाउंट बना हुआ था तो आपको दोबारा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देखोगे आपकी जो फोन है काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा और आपकी फोन की जो स्टोरेज है वो भी काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक एक करके सारे के सारे आपके पास जितने सारे एप्लीकेशन है जो बड़े बड़े एप्लीकेशन आपको लगता है उसके आपको क्लियर डाटा या फिर क्लियर कैची कर देना है। करने के बाद उसके बाद आपके फोन की स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो छठवां जो ट्रिक है उसके लिए आपको इसी जगह पे आना है, यानी कि आपकी फोन की जो सेटिंग ऑप्शन है वहां पे जाके आपको एप्लीकेशन के अंदर आके एप्लीकेशन मैनेजमेंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इनमें से जो एप्लीकेशन आपको लगता है कि हाँ ये जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा बड़ा है, जैसे कि आप ये बता सकते मेरे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेट, ये जो है यहाँ पे 165 MB पकड़ के बैठा है, आप इसी तरह से देखना कि आपकी फोन के अंदर कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है इनमें से जो कि काफी ज्यादा पेस पकड़ के बैठा है और वो एप्लीकेशन आपकी काफी काम का है। तो उस एप्लीकेशन को आपको सिंपल सा आपको अपनी SD कार्ड के अंदर मूव करना है और अपनी SD कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड के अंदर से ही आपको अपनी उस एप्लीकेशन को लॉन्च करना है हर टाइम। तो आपके फोन की जो इंटरनल मेमोरी है उसके अंदर पैसा ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो आपकी फोन ज्यादा गर्म नहीं होगा, ज्यादा हैंग नहीं करेगा, स्मूथली चलेगा और आपकी फोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो भी फुल नहीं होगा। तो इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपकी फोन के अंदर मेमोरी कार्ड को लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलना भूल गया, आपकी फोन के अंदर जो गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर है इसकी डाटा को आप क्लियर कैची या फिर क्लियर डाटा बिल्कुल भी मत करना, और ना ही आप अपनी ये दो एप्लीकेशन को अपने SD कार्ड के अंदर मूव करना, नहीं तो आपकी जो फोन है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाएगा। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप जिस एप्लीकेशन को अपने SD कार्ड से लॉन्च करना चाहते हो तो उस एप्लीकेशन को आपको सबसे पहले इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मूव टू SD कार्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपकी फोन के अंदर कोई भी SD कार्ड नहीं लगा हुआ है तो उस टाइम पे ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इस तरह से डिजेबल रहेगा, लेकिन आपकी फोन के अंदर SD कार्ड लगा हुआ होगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मूविंग हो रहा है, यानी कि आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो आपकी फोन के अंदर इंस्टॉल हुआ था
वो इस टाइम पे आपकी जो SD कार्ड है उसके अंदर मूव हो जाएगा, और आने वाला टाइम से आप जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वो जो एप्लीकेशन है वो आपकी SD कार्ड से ही लॉन्च होगा। और एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आप अपनी SD कार्ड को कभी भी रिमूव कर देते हो तो उस टाइम पे ये जो एप्लीकेशन है वो काम नहीं करेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम लगेगा, जितना आपकी फ़ोन की जो डाटा है जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे मूव होने के लिए टाइम लगेगा। तो इस तरह से आपकी फ़ोन के अंदर जितना सारा एप्लीकेशन है जिसे आपको लगता है कि हाँ इसे मुझे अपनी SD कार्ड से लॉन्च करना चाहिए ताकि मेरे फ़ोन के अंदर जो इंटरनल मेमोरी कार्ड है उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो आपको उन सभी एप्लीकेशन को इस तरह से एक एक करके अपनी SD कार्ड के अंदर मूव कर लेना है। तो एक काम कर लोगे तो आपकी फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज प्रॉब्लम होता था, आपकी फ़ोन जो हैंग करता था, स्लो हो गया था, ऑटोमेटिक चार्ज होता था, उसका काफ़ी हद तक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो लास्ट ट्रिक है आपकी फ़ोन की स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए आपको सिंपली से आपकी फ़ोन की जो गैलरी ऑप्शन है उसे ओपन करना है। और एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये ट्रिक अगर आपकी सैमसंग फ़ोन जो है वो लेटेस्ट है तभी काम करेगा, अगर आपकी फ़ोन मेरे तरह इस तरह से पुराना फ़ोन होगा तो उसके अंदर आपको ये जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको आपकी फ़ोन की जो गैलरी ऑप्शन है सबसे पहले उसके अंदर आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गैलरी है, गैलरी के अंदर आ जाना है। अगर आपके पास लेटेस्ट फ़ोन है होगा तो आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जहाँ पे मोर लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मोर की ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उसके अंदर एक रिसाइकल बिन का ऑप्शन मिल जाएगा। रिसाइकल बिन की ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जितने सारा फोटो को आप अपने गैलरी के अंदर से पिछले काफ़ी टाइम से डिलीट कर रहे हो उन सभी फोटो आपको उस रिसाइकल बिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको उन सभी फोटो वीडियो को वहाँ पे सिलेक्ट करके दोबारा डिलीट करना पड़ेगा। दोबारा डिलीट कर दोगे तो आप काफ़ी हद तक देख पाओगे आपकी फ़ोन के अंदर काफ़ी हद तक लगभग 5-6 GB तक आपकी फ़ोन के अंदर जो पेस है वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद से आपकी फ़ोन जो है वो स्मूथली चलने लग जाएगा। तो अगर आप इन 7 ट्रिक को यूज करते हो तो आपकी जो सैमसंग कंपनी की मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर कभी भी गर्म होने की प्रॉब्लम नहीं होगा, हैंग नहीं होगा, ऑटोमेटिक चार्ज के प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपकी फ़ोन जो है स्मूथली हमेशा चलेगा। बस आपको इन 7 ट्रिक को कुछ टाइम छोड़ छोड़ के आपको दोबारा अप्लाई करते रहना है, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने फ़ोन को यूज करते जाते हो तो आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी से वैसे अननेसेसरी फाइल, कैची फाइल या फिर कैची डाटा क्रिएट हो जाता है, उन सभी डाटा को आपको मैनुअली आपको डिलीट करना पड़ता है। तो इसी तरह का टाइम के साथ साथ आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा आप सैमसंग फ़ोन को छोड़ के दूसरी किसी अदर्स कंपनी की मोबाइल फ़ोन को यूज करते हो तो आपकी फ़ोन के अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है तो आप अपनी फ़ोन की कंपनी नाम और उसका मॉडल नंबर आपको उन्होंने कॉन्टैक्ट करके बताएगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी फ़ोन की स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया वीडियो बहुत जल्द बना के अपने चैनल के अंदर पोस्ट करने का। तो वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे तरह YouTube की पर एक क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं YouTube की बेसिक टू एडवांस लेवल का एकदम अपने चैनल को क्रिएट करने से लेकर आप अपने चैनल को मोनेटाइज करके अपनी बैंक अकाउंट के अंदर अपने पैसे को ट्रांसफर करने का जो पूरा स्टेप है उन सभी स्टेप को लाइव डेमो के साथ एक एक करके एक बेसिक टू एडवांस लेवल का यूट्यूब कोर्स को बना के आपने इसी चैनल के अंदर पोस्ट करके रखा है। आप चाहो तो उसको उसके बाद एक्सेस कर सकते हो, उसको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब को लेकर सीरियस हो तो उस कोर्स को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सके ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।